एक तरफ रिधिमा फौरन अरोड़ा मेंशन के लिए निकल गई, तो वहीं ऋषित बहुत ज्यादा गुस्सा था, ये सोचकर कि रिधिमा इतना घटिया इल्जाम उस पर कैसे लगा सकती थी। ऋषित ने मायरा को बोल दिया था कि वो निशांत को सुला दे, और मायरा निशांत को उसके कमरे में ले गई। तभी ऋषित को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर अरुण उससे सवाल करने लगा। ऋषित ने अरुण को बताया कि मिहिर के कंपनी में क्या प्रॉब्लम हुई थी और रिधिमा उसके लिए ऋषित पर ही इल्जाम लगा रही थी। अरुण ने परेशान होते हुए पूछा, क्या तुमने ऐसा कुछ किया है? ऋषित ने गुस्से से जवाब देते हुए कहा, मैं ऐसा क्यों करूंगा पापा, मैं जानता हूं कि मिहिर और उसकी माँ ने रिधिमा और निशांत का एक परिवार की तरह ख्याल रखा है, और रिधिमा और निशांत उन दोनों को अपना मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं, पर मैं ऐसा क्यों करूंगा। तभी ऋषित को रिधिमा अरोड़ा मेंशन के लिविंग रूम में आते दिखी, तो ऋषित ने रिधिमा का हाथ पकड़ा और उसे गुस्से से अपने कमरे में ले जाने लगा। उन दोनों को ऐसे जाते देख अरुण ने परेशान होकर सोचा कि अभी ही तो थोड़ी शांति बनी थी फिर रिधिमा और ऋषित के बीच, लेकिन अब लगता है कि फिर से उन दोनों के बीच लड़ाई होने वाली थी। जैसे ही वो लोग ऋषित के कमरे में पहुंचे, रिधिमा ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, ऋषित मेरा हाथ छोड़ दो, ये क्या कर रहे हो? ऋषित ने रिधिमा का हाथ छोड़ा और गुस्से से चिल्लाते हुए रिधिमा से सवाल करते हुए बोला, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है रिधिमा? मानता हूँ तुम मुझसे नफरत करती हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी या फिर तुम्हारे आसपास के लोगों की जिंदगी में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसका जिम्मेदार तुम मुझे ठहराओ। रिधिमा भी ऋषित को घूरते हुए बोली, क्योंकि तुम जिम्मेदार हो, मेरी जिंदगी में तुम सिर्फ प्रॉब्लम्स ही लेकर आते हो ऋषित। ये बात ऋषित के दिल को बहुत चुभ गई और उसने इमोशनल होते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आता कि तुम मुझे इतना गलत क्यों समझती हो रिधिमा। तुम्हें दिल्ली जाना था मिहिर की मदद करने के लिए, मैंने तुम्हें नहीं रोका। मैं जानता हूँ कि मिहिर और सुधा आंटी ने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है उसके बाद तुम्हारा उनके लिए ये करना तो बनता है। उसके बाद भी तुमने निशांत को सुहास अंकल के घर पर छोड़ने का फैसला किया। मैंने कुछ नहीं कहा, पर सच तो ये है कि मैं भी यहाँ निशांत का ख्याल रख सकता था, क्योंकि निशांत के लिए ही मैंने घर में सब जगह सीसीटीवी कैमरा लगवाए हैं और वो यहाँ बिल्कुल सेफ रहता। लेकिन फिर भी तुम्हारी बात और निशांत के लिए तुम्हारी फिक्र समझकर मैंने कुछ नहीं कहा। और तुम्हारे वापस आने की खबर मिली तो मैं तुम्हें और निशांत को खुद वापस लेने आया, और तुम मुझ पर ही ऐसे घटिया इल्जाम लगा रही हो। रिधिमा मुंह दूसरी ओर फेरते हुए बोली, ओ प्लीज ऐसा दिखाने की कोशिश मत करो कि तुम बहुत अच्छे हो, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ सब। ऋषित ने भी गुस्से से मुंह फेर लिया और उसने सोचा कि रिधिमा को समझाना ही बेकार था। रिधिमा भी गुस्से से अपने कमरे में चली गई। देर रात को ऋषित और रिधिमा दोनों ही अपने अपने कमरे में जाग रहे थे और दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी और दोनों बार बार करवटें बदल रहे थे। ऋषित ने दिल ही दिल में सोचते हुए खुद से ही कहा, रिधिमा ऐसा क्यों सोचती है कि उसे और निशांत को कुछ हो जाता तो मैं खुश होता, और वो ऐसा क्यों सोचती है कि मैंने उसके बुटीक में आग लगवाई थी। और अब रिधिमा को ये भी लगता है कि मिहिर की कंपनी में भी मैंने ही आग लगवाई है। शिट, ये लड़की मतलब सवालों का पिटारा है। उधर रिधिमा भी कुछ सोचते हुए खुद से ही बोली, क्या सच में ऋषित ने मिहिर की कंपनी में आग लगवाई होगी? हे भगवान, मैं क्या करूं, कहां फंस गई हूं मैं? अगर ऋषित ने ऐसा किया है तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन सुबह सुधा की तबीयत अब काफी ठीक लग रही थी कि तभी मिहिर का फोन बजने लगा। उसने देखा तो फोन मिस्टर अक्षय मल्होत्रा का था, वो मिहिर से मिलना चाह रहे थे। मिहिर हैरान था कि अब वो उससे क्यों मिलना चाहते थे। जब अक्षय मल्होत्रा मिहिर के ऑफिस में आए थे तो मिहिर ने उनसे लड़ाई करके उन्हें अपने ऑफिस से बाहर जाने को कह दिया था। उसके बाद मिहिर ने सोचा था कि अब मिस्टर अक्षय मल्होत्रा फिर से मिहिर से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन अब वो फिर से उससे मिलना चाहते थे। मिहिर मिस्टर अक्षय मल्होत्रा से मिलना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वो उनसे मिलने चला गया ताकि वो जान सके कि आखिर मिस्टर अक्षय अब उससे क्या चाहते थे। थोड़ी देर बाद मिहिर और अक्षय एक कैफे में बैठे थे। अक्षय ने प्यार भरी आवाज में कहा, थैंक यू बेटा, जो मेरे बुलाने पर तुम मुझसे मिलने आ गए। इस पर मिहिर ने कुछ नहीं कहा। फिर अक्षय ने चिंता से पूछा, बेटा तुम्हारी कंपनी के बारे में मैंने सुना, तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा, और तुम पैसों की फिक्र मत करो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, हम मिलकर काम करेंगे बेटा, और मैं अपने बेटे के लिए एक नई कंपनी खड़ी करूंगा,
अक्षय की ये बात सुनकर अचानक मिहिर के दिल में एक ख्याल आया और उसने साफ साफ लफ्जों में अक्षय से पूछा, आपने किया है ये सब? आपने मेरी कंपनी में आग लगवाई? अक्षय फौरन इनकार करते हुए बोला, ये तुम क्या बोल रहे हो बेटा, मैं भला ऐसे क्यों करूंगा। मिहिर गुस्से से खड़ा हो गया और अपने पापा को घूरते हुए बोला, मैं ही गलत था जो ये सोच रहा था कि आप इतने बुरे नहीं हो सकते, पर आप तो बुरे से भी बुरे हो, घटिया हो। मैं आपके साथ आ जाऊं इसलिए आपने मेरी कंपनी में आग लगवा दी? इतने घटिया इंसान हो आप। एक बात आप कान खोल कर सुन लीजिए मिस्टर अक्षय मल्होत्रा, मुझे रास्ते पर खड़े रहकर भीख भी मांगनी पड़ेगी ना तो भी मैं आपके पास नहीं आऊंगा। मिहिर फौरन कैफे से निकल गया। कार में बैठते ही मिहिर ने रिद्धिमा को फोन लगाया और फोन पर उसने कहा, रिद्धिमा मुझे अभी तुमसे मिलना है। दूसरी तरफ से रिद्धिमा ने जवाब दिया, ओके मैं अभी निश को स्कूल छोड़ने आई हूँ, तो स्कूल के पास वाले कैफे में मिलते हैं। ओके कहकर मिहिर ने फोन कट कर दिया। उसे अब रिद्धिमा को फौरन बताना होगा कि उसकी कंपनी में आग ऋषित ने नहीं लगवाई थी। थोड़ी देर बाद रिद्धिमा और मिहिर एक कैफे में बैठे थे और मिहिर ने उसे बताया कि उसकी कंपनी में आग ऋषित ने नहीं लगवाई थी। रिद्धिमा परेशान होकर बोली, ये तुम क्या कह रहे हो मिहिर, अगर ऋषित ने ऐसा नहीं किया तो किसने किया? मेरा मतलब है तुम्हारा तो कोई दुश्मन भी नहीं है। मिहिर ने धीरे से कहा, पर कोई है, तुम बस इतना समझ लो कि ऋषित का इसमें कोई हाथ नहीं है। रिद्धिमा सोच में पड़ गई। उसे ऐसे देख मिहिर ने फिर से कहा, रिद्धिमा कुछ बात है जो मुझे तुम्हें बतानी है, पर इस वक्त नहीं, मैं जल्दी ही वापस आकर तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। तभी रिद्धिमा ने मिहिर का हाथ पकड़ते हुए कहा, मिहिर हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं और पिछले कई दिनों से मैं ये देख रही हूँ कि तुम परेशान हो और थोड़ा अजीब बर्ताव कर रहे हो, तो तुम जब चाहो मुझसे कुछ भी शेयर कर सकते हो। मिहिर इमोशनल होकर बोला, मुझे पता है रिद्धिमा कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तो मैं अपने दिल की बात तुमसे नहीं कहूंगा तो और किससे कहूंगा, पर फिलहाल मेरा दिल्ली जाना बहुत जरूरी है। रिद्धिमा ने बस ओके में सर हिलाया। रिद्धिमा और मिहिर फिर सुहास के घर आ गए। वहां सुधा और सुहास बातें कर रहे थे। मिहिर को देखते ही सुधा ने कहा, मिहिर बेटा तुम फिक्र मत करो, मैंने जिंदगी में इतना कुछ देख लिया है कि अब कोई भी मुसीबत मुझे तोड़ नहीं सकती, और तुम्हारी माँ आज भी उतनी ही स्ट्रांग है। मिहिर ने अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा, ऑफ कोर्स माँ, आप और रिद्धिमा मेरी जिंदगी में आए वो दो स्ट्रांग इंसान हो जो ना खुद कभी टूटेंगे और ना मुझे कभी टूटने देंगे। सुधा ने मिहिर को हौसला देते हुए कहा, तू फिक्र मत कर बेटा, हम अपना फ्लैट बेच देंगे फिर सब ठीक हो जाएगा। सुधा और मिहिर दोनों ही दिल्ली के लिए निकल गए। सुहास ने इमोशनल होकर रिद्धिमा से कहा, सुधा बहन जी की बहुत याद आएगी, वो यहाँ थी तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरी सगी बहन ही मेरे साथ रह रही हो। रिद्धिमा ने अपने पापा को गले लगाया और उन्हें बताया कि मिहिर ने कैसे उससे ये कहा कि ऋषित ने कुछ नहीं किया। सुहास खुद कंफ्यूज था, पर सच तो ये था कि उसे अरुण और ऋषित दोनों पर भरोसा नहीं था। रिद्धिमा फिर थोड़ी देर बाद निशांत को स्कूल से पिक करके अरोड़ा मेंशन पहुंच गई। ऋषित तो ऑफिस गया हुआ था। रिद्धिमा परेशान होकर अपने कमरे में इधर उधर चल रही थी। फिर वो खुद से ही बोली, उफ, क्या करूं? इतना कुछ बोल दिया मैंने कल रात को उसे, तो सॉरी कैसे बोल दूं? वो भी दूध का धुला तो है नहीं, भले ही मिहिर के साथ उसने कुछ गलत ना किया हो, लेकिन मेरा पुटीक तो उसने ही जलाया है। पर रिद्धिमा खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोली, पर मिहिर की कंपनी जलाई, ये इल्जाम गलत था ना रिद्धिमा, तुम गलत बोला है तो सॉरी तो बोलना ही चाहिए, वरना वो हमेशा यूं ही गुस्से में तुम्हारे आसपास घूमता रहेगा, तो सॉरी बोल ही दो रिद्धिमा। रिद्धिमा ने फिर सोचते हुए कहा, मैं कैसे बोलूं सॉरी? तभी उसे याद आया कि ऋषित कैसे उसे लंच पर ले गया था जब उसे रिद्धिमा को ज्यादा ड्रिंक कराने के लिए सॉरी बोलना था। रिद्धिमा सोचते हुए बोली, उसे इतने बड़े 7-स्टार होटल में डिनर या लंच पर नहीं ले जा सकती, पर मेरी सेविंग से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो मैं खुद ही बनाती हूँ। फिर रिद्धिमा ने जल्दी से अपना काम खत्म किया और शाम को जल्दी ही डिनर की तैयारियों में लग गई। ऋषित ऑफिस से घर आया और फिर वो फ्रेश होकर निशांत के कमरे में आ गया। निशांत अकेला ही खेल रहा था और जब से ऋषित घर आया था रिद्धिमा उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। ऋषित रिद्धिमा से नाराज तो था,
लेकिन फिर भी फिक्र भरी आवाज में उसने निशांत से पूछा, निशांत तुम्हारी मम्मा कहाँ है? निशांत फौरन जवाब देते हुए बोला, मम्मा तो कब से किचन में है और आपके लिए खाना बना रही है। ये सुनकर ऋषित को हंसी आ गई और उसने निशांत से कहा, तुमने ठीक से सुना नहीं होगा बेटा, वो मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए खाना बना रही होंगी। निशांत ने अपनी मीठी आवाज में कहा, पर मम्मा ने तो यही कहा था कि वो आपके लिए बना रही हैं। ऋषित थोड़ा हैरानी से बोला, ओके चलो देखते हैं। फिर ऋषित और निशांत दोनों ही डाइनिंग रूम में आ गए तो रिद्धिमा ने दोनों को ही खुद अपने हाथों से खाना सर्व किया। ये देख ऋषित ने आंखें सिकुड़ते हुए उसे देखकर पूछा, क्या बात है, मेरा फेवरेट खाना तुमने खुद बनाया है और खुद सर्व भी कर रही हो, कहीं तुमने इसमें जहर तो नहीं डाला है ना? रिद्धिमा को याद आया कि जब ऋषित ने 4 साल बाद रिद्धिमा को गौरव की पार्टी में देखा था तो वो जबरदस्ती उसे एक होटल में ले गया था। तब ऋषित ने भी ऐसे ही सारा रिद्धिमा का फेवरेट खाना ऑर्डर किया था, लेकिन रिद्धिमा ने ऐसे ही उस पर ताना कसा था ये बोलकर कि कहीं उसने इस खाने में जहर तो नहीं मिलाया। गुस्सा काबू करते हुए रिद्धिमा ने जवाब देते हुए कहा, मैं और निशान भी यही खाने वाले हैं। ये सुनकर ऋषित ने धीमे से मुस्कुराते हुए खाना शुरू किया। सच में रिद्धिमा ने लाजवाब खाना बनाया था और बहुत मेहनत से बनाया था और इसमें कोई दो राय नहीं थी। ऋषित ने फिर बौहें चढ़ाते हुए पूछा, वैसे ये सब किस खुशी में, कल तो मुझ पर बड़े बड़े इल्जाम लगा रही थी तुम। कमाल हो यार तुम, कभी ताने और इल्जाम खिलाती हो तो आज खाना खिला रही हो। रिद्धिमा ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा, वो तो उसके लिए ही तुम्हें सॉरी बोलना था, कल वो गलत फहमी की वजह से मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही बोल दिया तो उसके लिए सॉरी। ऋषित ने दिल ही दिल में सोचते हुए कहा, अच्छा तो ये सब सॉरी बोलने के लिए चल रहा है। इतना कहकर ऋषित शरारत भरी अंदाज में मुस्कुराया। क्या ऋषित रिद्धिमा का ये सॉरी कबूल करेगा और क्या करने वाला था मिहिर, जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जब ऋषित को पता चला कि रिद्धिमा ने इतना सारा खाना उससे सॉरी कहने के लिए बनाया था तो ऋषित को रिद्धिमा की टांग खींचने का मन हुआ, इसलिए चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन लाते हुए ऋषित बोला, क्या मैं जान सकता हूँ ये अचानक से आपका हृदय परिवर्तन क्यों हो गया रिद्धिमा जी? ऋषित को ऐसे बोलते सुन निशांत हंसते हुए बोला, डैडी क्या कहा आपने, परी परी? ऋषित जरा सा मुस्कुराते हुए बोला, परिवर्तन बेटा मतलब चेंज, अचानक तुम्हारी मम्मा को डैडी से सॉरी बोलने की इच्छा क्यों हो गई? रिद्धिमा ने फौरन कहा, मिहिर कह रहा था कि उसे लगता है कि तुमने कुछ नहीं किया। ऋषित बौहें चढ़ाते हुए बोला, अच्छा तो मिहिर ने कहा इसलिए तुम मुझे सॉरी बोल रही हो? रिद्धिमा ने फौरन बात को संभालते हुए कहा, नहीं मेरा मतलब है कि मुझे भी लगता है कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है और मिहिर को शक है कि ये सब किसी और ने किया है, मैंने गुस्से में तो तुम्हें जो कुछ भी बोला उसके लिए सॉरी, अब क्या कान पकड़ूं? ऋषित शरारत से बोला, नहीं कान मत पकड़ो खाना खिला दो। ये सुनकर रिद्धिमा की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई। ऋषित ने कहा, वो क्या है ना कि मैं बहुत थक गया हूँ तो तुम मुझे खाना खिला दो फिर मैं तुम्हारी सॉरी एक्सेप्ट कर लूंगा। ऋषित ने ऐसे तरीके से कहा कि जैसे ये कोई नॉर्मल सी बात हो, पर रिद्धिमा ने ये सुनकर चेहरा बनाया क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि ऋषित ये सब उसे तंग करने के लिए कर रहा था, पर अब वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। तो रिद्धिमा ने चम्मच में राइस लेकर ऋषित के मुंह के सामने किया, पर ऋषित को भी बड़ा मजा आ रहा था रिद्धिमा को तंग करने में, तो उसने कहा, नहीं चावल नहीं मुझे पराठा चाहिए। अब पराठा तो चम्मच से खा नहीं सकते थे इसलिए रिद्धिमा को उसको हाथ से ही खिलाना पड़ा। ऋषित तो मजे लेते हुए धीरे धीरे खा रहा था। रिद्धिमा ने इरिटेट होते हुए मन में कहा, हमेशा तो 15 मिनट में खाना खत्म कर देता है पर आज आधे घंटे से भी ऊपर हो गया, ये तो खा ही जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे जन्मों से भूखा था। तभी देवयानी वहाँ डिनर करने आ गई। रिद्धिमा को ऐसे ऋषित को अपने हाथों से खाना खिलाते देख देवयानी ने उनकी फोटो क्लिक कर ली और वो फोटो सोनिया को भेज दी।
देवयानी ने दिल ही दिल में खुद से ही कहा, सोनिया अब भले ही हमारे साथ कुछ नहीं करना चाहती, पर ये तो सोनिया को देखना ही चाहिए, क्योंकि रिद्धिमा और ऋषित के बीच दूरियां लाने का काम सोनिया ही कर सकती है। फिर देवयानी ने खुद के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लाते हुए कहा, अरे वाह, मुझे तुम दोनों को ऐसे साथ में देखकर बहुत अच्छा लग रहा है ऋषित बेटा। रिद्धिमा ने फौरन ऋषित को खिलाना रोक दिया और फिर धीरे से ऋषित से पूछा, पेट भर गया तुम्हारा? ऋषित ने धीरे से मुस्कुराकर जवाब दिया, पेट भी भर गया और दिल भी। फिर ऋषित वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद रिद्धिमा निशान के कमरे में आ गई, जहां ऋषित भी था। ऋषित को देख रिद्धिमा ने क्यूट सी शक्ल बनाते हुए पूछा, अब कितनी बार सॉरी बोलना पड़ेगा? ऋषित रिद्धिमा को और तंग करते हुए बोला, एक बार और बोल दो। ये सुनकर रिद्धिमा मुंह फुलाकर बैठ गई। उसे ऐसे देख ऋषित के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और धीरे से रिद्धिमा के पास जाकर उसने रिद्धिमा के कान में कहा, इट्स ओके। रिद्धिमा मुस्कुराकर बोली, फाइनली तुम्हारे चक्कर में मैंने आज कितना सारा खाना बनाया तुम्हें पता है? तभी निशांत ने कहा, पराठे बहुत मस्त थे मम्मा। रिद्धिमा ने निशांत को देखकर कहा, ओ मेरा क्यूट बेबी। इतना कहकर रिद्धिमा निशांत को अपने पास लेकर उसको लाड करने लग गई। ऋषित धीमे से मुस्कुराते हुए उन दोनों को ऐसे देखते रह गया। बचपन में भी ऐसा ही होता था, ऋषित कभी नाराज हो जाता तो रिद्धिमा को ऐसे ही कुछ करके तंग करता था और फिर रिद्धिमा मुंह फुलाकर बैठ जाती थी और फिर ऋषित ही आकर झगड़ा खत्म कर देता था। वो सब याद करके ऋषित मुस्कुरा रहा था, पर फिर अचानक उसके दिल में एक ख्याल आया और वो सीरियस होकर मन में बोला, सब कुछ कितना अच्छा था ऋतु, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुम जैसी लड़की सिर्फ पैसों के लिए मुझसे शादी करने को कैसे तैयार हो गई। थोड़ी देर बाद रिद्धिमा ने निशांत को सुला दिया, फिर ऋषित और रिद्धिमा दोनों ही अपने अपने कमरे में चले गए। ऋषित ने अपने असिस्टेंट चिराग को कॉल किया और पूछा, चिराग मैंने तुमसे कहा था ना कि रिद्धिमा के बुटीक में आग कैसे लगी ये पता लगवाओ। चिराग ने धीरे से जवाब देते हुए कहा, सॉरी सर लेकिन हमें अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। फिर ऋषित ने सोचते हुए कहा, फिर से पता करने की कोशिश करो और हाँ ये भी पता करवाओ कि मिहिर की कंपनी में आग कैसे लगी। चिराग ने फौरन कहा, जी सर। फिर अगले ही पल ऋषित ने फोन काट दिया और सोने की कोशिश करने लगा। उधर सोनिया जो हैदराबाद में एक डील के लिए गई हुई थी, उसकी तो देवयानी के भेजे हुए फोटो को देखकर नींद उड़ गई थी। उन फोटोज में रिद्धिमा ऋषित को अपने हाथ से खिला रही थी और ऋषित के चेहरे पर भी मुस्कान थी। सोनिया का एक लक अच्छा था कि उसे वो डील मिल गई थी और वो ऋषित के पास मुंबई आने ही वाली थी। सोनिया को लग रहा था कि उसने इतनी बड़ी डील हासिल की थी तो ऋषित इम्प्रेस हो जाएगा, लेकिन ये फोटोज देख सोनिया का सारा मूड खराब हो गया था और उसे अब रिद्धिमा पर बहुत गुस्सा आ रहा था, तो वो फौरन मुंबई के लिए निकल गई। अगले दिन जब सोनिया अरोड़ा मेंशन में आई तो वहां सभी नाश्ता कर रहे थे। रिद्धिमा ने निशांत को स्कूल ड्रॉप कर दिया था और अब वापस आकर वो भी नाश्ता कर रही थी। तभी सबने सोनिया को अंदर आते हुए देखा। सोनिया अंदर आते ही चिल्लाते हुए बोली, ऋषित ऋषित बस बहुत हो गया, आज तुम्हें इस रिद्धिमा को घर से बाहर निकालना ही होगा। सभी लोग नाश्ता छोड़कर लिविंग रूम में आ गए। देवयानी और सूरज एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। अरुण टेंशन में था कि ये लड़की अब क्या बखेड़ा खड़ा करने आई थी। रिद्धिमा को सोनिया को देखते ही गुस्सा आने लगता था। ऋषित हैरान और इरिटेट होकर बोला, सोनिया तुम यहाँ, तुम कब आई हैदराबाद से और आते ही ये क्या तमाशा कर रही हो? तुम्हें इस घर में आने से मना किया था ना मैंने, गार्ड्स ने तुम्हें अंदर कैसे आने दिया? सोनिया गुस्से से बोली, तमाशा मैं तमाशा कर रही हूँ? ऋषित क्या तुम भूल गए हो कि तमाशा तो इस लड़की ने इस रिद्धिमा ने बनाया था तुम्हारा, तुम्हारे रिश्ते का। और क्या तुम भूल गए हो ऋषित कि रिद्धिमा ने सिर्फ तुमसे पैसों के लिए शादी की थी, वो तुम्हारे बच्चे का इस्तेमाल भी पैसे पाने के लिए करने वाली थी। ऋषित ने किसी तरह अपना गुस्सा काबू में रखते हुए कहा, सोनिया मैं कुछ भी भूला नहीं हूँ और तुम्हें इस तरह चिल्लाकर तमाशा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सोनिया भी आज चुप नहीं रहने वाली थी और उसने भी गुस्से से कहा, नहीं ऋषित बस बहुत हुआ, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। सोनिया फिर ऋषित की तरफ देखकर बोली, और रिद्धिमा
तुम ऋषित और मेरी जिंदगी से निकल जाओ। इसके बदले तुम्हें कितने पैसे चाहिए रिद्धिमा? जितने भी चाहिए ऋषित और मैं तुम्हें दे देंगे, बस तुम हमारी जिंदगी से चली जाओ। रिद्धिमा भी अब बहुत ज्यादा गुस्से में थी। सोनिया की बात सुनकर रिद्धिमा भड़कते हुए बोली, तुम चली जाओ सोनिया यहाँ से, क्योंकि तुमने मेरे और मिहिर की बदनामी की साजिश की थी। मैं चाहती तो तुम पे पुलिस केस कर सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुमने बीमारी का ढोंग किया, फिर अंतरा आंटी की बरसी पर पूजा रखती, और ये भी कम है तो याद दिला दूं कि तुम्हें ऋषित ने अरोड़ा मेंशन में आने से मना किया है। मैं भूली नहीं हूँ कि मेरा बेटा किस तरह से हॉस्पिटल में बीमार पड़ गया था, और तुम मानो या ना मानो, लेकिन मुझे पूरा शक है कि तुमने ही मेरे बेटे का टिफिन बॉक्स बदल दिया था, और इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। सोनिया रिद्धिमा को घूरते हुए बोली, मैंने ऋषित को कभी नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं की, और ऋषित को मुझ पर पूरा यकीन है। ऋषित ने मुझे अरोड़ा मेंशन में आने के लिए इसलिए मना किया था क्योंकि ऋषित निशान से बहुत प्यार करता है, और ऋषित को अगर किसी पे यकीन नहीं है तो वो तुम हो रिद्धिमा। ये सुनकर रिद्धिमा ने एक नजर ऋषित की तरफ घूर कर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऋषित को इस सोनिया पर इतना विश्वास क्यों था। फिर रिद्धिमा ने सोनिया की तरफ देखकर उसे जवाब देते हुए कहा, मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि ऋषित को या किसी और को भी मुझ पर विश्वास है या नहीं, मुझे बस मेरे बेटे की परवाह है। सोनिया भी गुस्से से बोली, वो बेटा जिसका इस्तेमाल तुम ऋषित की दौलत हथियाने के लिए करना चाहती थी। रिद्धिमा किसी तरह अपने गुस्से को काबू में रखते हुए सोनिया को धमकाते हुए बोली, शट अप सोनिया, अपनी लिमिट में रहो और यहाँ से चली जाओ। तुम्हें तुम्हारे प्यारे बॉयफ्रेंड से जो कहना है घर के बाहर जाकर कहो। सोनिया ने रिद्धिमा को घूरते हुए कहा, मुझे अरोड़ा मेंशन से निकालने वाली तुम कौन होती हो? तुम अपनी कीमत बताओ, पैसे लो और यहाँ से चलती बनो। इससे पहले रिद्धिमा कुछ बोलती, ऋषित अब खुद को और रोक नहीं पाया और सोनिया को चुप कराते हुए वो बोला, सोनिया तुम रिद्धिमा से ऐसे बात मत करो, और तुम्हें कोई हक नहीं रिद्धिमा को इस तरह घर से जाने के लिए कहने का। ये सुनकर सोनिया को बहुत बुरा लगा, लेकिन आज सोनिया ने भी ठान लिया था कि वो रिद्धिमा को अरोड़ा मेंशन से निकाल कर ही दम लेगी। वो बोली, ऋषित तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो क्या? मेरी तुम्हारी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं? सोनिया को ऐसे अपना इमोशनल ड्रामा शुरू करते देख रिद्धिमा ने वार्निंग देते हुए ऋषित से कहा, ऋषित अरोड़ा मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो तुम, अगर ये लड़की इस तरीके से इस घर में आएगी तो मैं अपने बेटे के साथ एक पल भी यहाँ नहीं रुकूंगी, फिर तुम पुलिस में जाओ या कोर्ट में। रिद्धिमा की ये धमकी सुनकर ऋषित के साथ साथ अरुण भी टेंशन में आ गया। इससे पहले ऋषित कुछ कहता, अरुण ने कहा, ऋषित अभी के अभी सोनिया को यहाँ से ले जाओ, और याद रखना ये लड़की फिर से इस घर में नहीं आनी चाहिए। ऋषित को भी सोनिया पर गुस्सा आ रहा था। ऋषित किसी भी हालत में ये नहीं चाहता था कि रिद्धिमा और निशांत अरोड़ा मेंशन से जाएं, और उसने सोनिया की तरफ बढ़ते हुए कहा, चलो सोनिया हम कहीं और जाकर बात करते हैं। सोनिया ने इमोशनल होकर ऋषित से कहा, तुम इस रिद्धिमा के लिए मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो? लेकिन ऋषित इससे पहले कुछ कहता, सोनिया ने आग बबूला होते हुए रिद्धिमा की तरफ देखा और चिल्लाते हुए कहा, तुम एक घटिया लड़की हो रिद्धिमा, तुम तो ऋषित के साथ अपनी दोस्ती भी नहीं निभा पाई, और तुमने ऋषित से पैसों के लिए ही उससे शादी की थी, और मेरा ऋषित के लिए प्यार तुम्हारी तरह बिकाऊ नहीं है। तुम तो उन लड़कियों में से हो जो पैसों के लिए किसी से भी शादी कर लें। ये सुनकर रिद्धिमा भी अब खुद को रोक नहीं पाई और उसने सोनिया को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। सोनिया कुछ पल के लिए सुन्न होकर खड़ी रह गई। ऋषित और बाकी सब हैरानी से देखते रह गए। तभी सोनिया की आंखें गुस्से से लाल होने लगी और ऋषित को भड़काते हुए वो बोली, ऋषित मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और उसका ये सिला मिल रहा है मुझे? ये लड़की मुझे थप्पड़ मार रही है और तुम बस खड़े देख रहे हो, इस लड़की का साथ दे रहे हो जिसने सिर्फ पैसों के लिए तुमसे शादी की थी। रिद्धिमा भी अब गुस्से से कांपते हुए बोली, मैंने पैसों के लिए शादी नहीं की थी। सोनिया ने फौरन चिल्लाते हुए पूछा, तो फिर क्यों की थी शादी? सबको पता है कि इतना अच्छा अमीर लड़का और पैसे वाला भी है, तो कौन लड़की मना करेगी? अगर पैसों के लिए नहीं की थी तो क्यों की थी शादी? रिद्धिमा ने गुस्से से मुट्ठी कस ली और गुस्से में सच बताते हुए उसने कहा, क्योंकि मैं ऋषित से प्यार करती थी और मैं बहुत ज्यादा प्यार करती थी उससे। क्या रिद्धिमा का ये इजहार ऋषित और रिद्धिमा के रिश्ते को फिर से बदल देगा? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क।